कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास, ओपोजिशन हार गई, हुकूमत कामयाब। ज़िमनी मालियाती बिल 2021 कसरत राय से मंजूर, ओपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा आमने सामने, पार्लिमानी इजलास में दोनों के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला। आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया, अगर यही रवैया रहा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। परवेज खटक के रिमार्क्स, आप मुतमईन नहीं तो मैं हुकूमत किसी और को दे देता हूँ, वज़ीर आज़म का जवाब। मिनी बजट और महंगाई, अपोजिशन का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज, हुकूमत को सियासी और आइनी तरीके से रुख्सत करना होगा, शहबाज शरीफ का बयान। अख्तर जान मिंगल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला, बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर मौलाना को मुबारकबाद भी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग, कहा 27 फरवरी को नाहल हुकूमत के खिलाफ मुजारे से लॉन्ग मार्च की शुरुआत होगी और इस्लामाबाद पहुँच कर अपने मकासद हासिल कर लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की इत्तला तश्वीशनाक है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, कहते हैं कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को तेज कर देगा। इतवार को शारा फैसल ब्लॉक कर देंगे, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इंदिया दे दिया, कहा कि बिलावल भुट्टो की हिदायत पर आने वाली मुजाकराती टीम 4 दिन से मफरूर है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, 7वीं मरदमशुमारी के इनेकाद की मंजूरी दे दी गई, मरदमशुमारी से कबल खाना शुमारी भी की जाएगी। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर होने का इम्कान, 16 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्के। और जमात इस्लामी के धरने को 14 रोज हो गए, खवातीन की धरने में बड़ी तादाद में शिरकत, पीपल्स पार्टी की मुश्किलात बढ़ गईं, काला कानून किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। धरना शुरू की मुकदमा न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ में गुफ्तगू।